बीकानेर से 165 किलोमीटर जो दूर जो आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा एक छोटा सा गांव, और इस गांव का नाम है खीचन। और खीचन बहुत खास है एक कारण से, क्योंकि यहां पर आते हैं मेहमान हमारे सेंट्रल और नॉर्दर्न एशिया से, और इन मेहमानों का नाम है डीमोजेल क्रेन्स। तो इस समय तकरीबन 5000 से ज़्यादा पक्षी यहाँ पर आते हैं खीचन में, क्योंकि 70 साल पहले एक व्यक्ति ने दाना डालना शुरू किया था क्रेन्स को, और वो एक व्यक्ति के अच्छी करतूत की वजह से कई गांव वालों ने दाना डालना शुरू किया, और अब ये क्रेन्स यहाँ पे आने शुरू हो गई हैं। तो अभी जरा क्वाइटली चलते हैं, होपफुली इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आस्ते से जाएंगे, और अगर उड़ गई तो आप शॉट देखिएगा, उसके बाद बातें करेंगे। हाँ जी, गर्मी जब इतनी होती है राजस्थान में फुल तप पड़ी रहती है, तो अगर आपको कोई भी टाइप का वाइल्ड लाइफ देखना है, ऐसी चिड़िया विड़िया देखनी है, तो आप वाटर बॉडी के पास आएंगे, क्योंकि पानी सबको चाहिए होता है। और अगर आप दाना डालेंगे तो चिड़िया आएगी, और अगर आप आपके पास ढाबा या रेस्टोरेंट है, आप खूब सारा खाना डालेंगे, तो रॉकिन मयूर आएंगे खींचन के लिए, ईटिंग के लिए। यस, लेकिन अभी फिलहाल ईटिंग यहाँ की बात करते हैं, और बात करेंगे, थोड़ा चुपचाप चलेंगे ताकि चिड़िया डिस्टर्ब ना हो। अब आप नज़र ज़रा वहाँ फेरिए और इस दृश्य का मज़ा लीजिए, क्योंकि यह दृश्य आपको दुनिया में और शायद कहीं नहीं मिलेगा इतनी अच्छी तरह से। देखिए देखिए देखिए, वहाँ देखिए, हमारे क्या देख रहे हैं, इस टाइम तकरीबन 1000 के आसपास पक्षी, 1000-1200 पक्षी इस टाइम यहाँ पर हैं। डीमोजेल क्रेन है, करीब इतनी ऊंची होती है, ग्रे कलर की, इसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, और ब्यूटीफुल वाइट प्लूमेज है इसके सिर पे। तो ये यहाँ पर आती है विंटर के महीने में, इधर आसपास ये जो घास उग रही है इसको चरने के लिए आती थी, लेकिन उससे फार्मर्स की जो फील्ड्स हैं वो ख़राब होती थी। सरपत्ते सीरियस क्यों लग रहे हो? लाल आंखें मतलब ये जब सारी उड़ती है और रेड आई फ्लाइट होती है, ओरिजिनल रेड आई फ्लाइट यहां से आई थी। मैं सीरियसली यार, मैं ओवरऑड हूं, जब मैं ऐसे नजारे देखता हूं तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, मैं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं यार, देख कितना खूबसूरत नजारा है। आप रोइए, थोड़ी क्रेन्स उड़नी शुरू हुई है, अब दिक्कत ये है कि अगर थोड़ी सी उड़ती है तो उनके पीछे पीछे ज्यादा उड़नी शुरू हो जाती है। तो ये जो 3 क्रेन्स हैं, अगर ये बैठ जाएंगी तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा हमारे लिए सिग्नल होगा, नहीं तो अभी ये सारी बर्ड्स जो है ये अलर्ट हो गई हैं, और ये 3 आई हैं बैठने के लिए। देखिए देखिए, ये तीनों क्रेन्स इस टाइम देखिए कितनी खूबसूरत है, जो इनका ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये काफ़ी वोकल बर्ड है, काफ़ी आवाज़ करती है। ये तो ऐसा लग रहा है पूरे जहाँ पे बुफे हो रहे हैं, कि जो 3 आ रही है, बाकी उसके दोस्त बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ भैया, यहीं मिलेगा खाना पीना। तो देखो #, और डीमोजेल क्रेन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम भी निकले हुए घूम रहे हैं, और जहाँ हमारे को खाना मिलता है, ये कितनी दूर दूर से आती है कंट्री से खाना खाने और पानी पीने और माहौल का मज़ा लेने के लिए, वातावरण का मज़ा लेने के लिए। हम भी ऐसे ही दूर दूर से हम आते हैं। ये अच्छी बात यह है कि हम रॉकी को खो चुके हैं, अथॉरिटीज़ के लिए गया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये यहाँ पर व्यूइंग पॉइंट बनाया, जहाँ पर आप छाया में खड़े हो सकते हैं, मिनिमम डिस्टर्बेंस चिड़िया को करके आप आराम से अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं, चुपचाप से आइए आइए चुपचाप। इंडिया में कहा जाता है कि वाइल्ड लाइफ का एक ट्रेजर ट्रोव है हमारे यहाँ, और यही एक मतलब ये एक विरासत है हमारी, एक ट्रेजर है। वाइल्ड लाइफ को बचाना, इनका ध्यान रखना, ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये दुनिया इनकी भी उतनी है जितनी हमारी है। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कनेक्टेड है। तो अगर एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ जाएगी तो एनवायरनमेंट ख़राब होगा, एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो आप और हम नहीं जी पाएंगे। तो अपने सेल्फिश कारण के लिए वाइल्ड लाइफ को बचा के रखें। और कई लोग पूछते हैं कि आप चिकन खाते हैं, आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि चिकन उगाते हैं लोग, वाइल्ड लाइफ किसी के बाप के नहीं, भगवान की है, एनवायरनमेंट की है, नेचर की है, तो इस आपकी नहीं है, तो इसको आप ना काट सकते हैं ना खा सकते हैं। खेती को जैसे आप काटते हैं क्योंकि वो किसान की है, उसी तरह खाने वाले जानवर अलग होते हैं। ये जानवर आपके नहीं, मेरे नहीं, ये जानवर नेचर के हैं, इनसे एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है।
इनसे प्रकृति में फर्क पड़ता है, इनसे दुनिया बदलती है। अगर ये जानवर लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो जो दुनिया है उसकी सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस हो गया रॉकी भैया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपको इस पर से जो लर्निंग है वो कहता हूँ कि लोगों ने यहाँ पे दाना डाला, चुगने के लिए बहुत सारी चिड़िया आई। आप जाके मतलब अगर अच्छे अच्छे ढाबे खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, स्पेशली रीजनल खाना मिलता है, तो रॉकेर में यूर आएंगे, हम आएंगे और हम वहाँ पे खाएंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारे लोग आएंगे। तो थोड़ी देर में हो सकता है कि ये जो लेक है ऐसा ही आपका रेस्टोरेंट होगा, और ये जितनी सारी जो 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 है क्रेन्स, डीमोडेल क्रेन्स, वो आपके शौकीन होंगे जो आएंगे और आपका खाना एंजॉय करेंगे। इतने सारे रॉकी एंड मयूर आपके रेस्टोरेंट और ढाबे भरे पड़े होंगे, सोचो। नहीं, अगर इतने सारे रॉकी मयूर आ गए तो बहुत जल्दी ढाबा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बजट खाना खत्म हो जाएगा। बहुत डरावनी सोच है। तो इस टाइम पे डीमोसेल क्रेन यहाँ पर है, कूट्स हैं यहाँ पर एक दो। ओए कूट क्यों बोल रहा है? यहाँ पर कॉमन टील है यहाँ पर 4-5, तो काफ़ी पक्षी यहाँ पर हैं, लेकिन गढ़ तो ये डीमोसेल क्रेन का है और यहाँ पर लोग आते भी इसी को देखने के लिए हैं। तो मार्क कर लीजिए, खींचन है 165 किलोमीटर बीकानेर से। अगर आप इस तरफ निकलें, जोधपुर की तरफ जा रहे हो, या जोधपुर से अगर आप यहाँ आना चाहें वो भी पॉसिबल है। आके ज़िंदगी में एक बार ये नज़ारा ज़रूर देखें और पक्षियों को डिस्टर्ब ना करें, इन्हें उड़ाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए उड़ते हुए पक्षियों की डिस्टर्ब ना करें पक्षियों को, इनको अपनी आराम से ज़िंदगी जीने दें और आप अपनी ज़िंदगी जिए आराम से। चल यार, बड़ा मन कर रहा है कुछ चिकन विकन खाने का, पता नहीं क्यों।